ओम शांति। 1 अक्टूबर 2020 साकार माँ वाक्य मुरलीर सारांश मधुर संतान गण तुमको देवता हेबार अछि सेथिपाई मायार अवगुण को त्याग कर रागिबा माड़ मारिबा हैरान करिबा खराब काम करिबा चोरी आदि करिबा ए सबु महापाप अटे। प्रश्न एही ज्ञान रे केउ संतान माने तीक्ष्ण जाई परिवे केउ मानकर क्षति हेउछि। उत्तर जेउ मानकु निजर हिसाब रखिबा अर्थात चार्ट रखिबा जणा अछि से माने एही ज्ञान रे बहुत तीव्र गति रे आगकु जाई परिवे। जेउ माने देही अभिमानी होई रहु नाहंती सेही मानकर ही क्षति हेउछि। बाबा कहुछन्ति व्यापारी मानकर हिसाब रखिबार अभ्यास था से माने एठारे मध्य बहुत शीघ्र आगकु जाई परिबे। ओम शांति। आत्मिक पाठधारी संतान मानकु बाबा बुझाउछन्ति काहेकि ना बेहदरे नाटक रे आत्मा ही अभिनय करुछे। नाटक मनुष्य मानकर अटे ना वर्तमान पिला माने पुरुषार्थ करुछन्ति जदियो वेदशास्त्र पढ़ुछन्ति शिवंकर पूजा करुछन्ति किंतु बाबा कहुछन्ति एहा द्वारा मुक्ते केही प्राप्त करि परिबे नाही काहेकि ना भक्ति हेउछि पतनर कला ज्ञान हेउछि सद्गतिर कला। तेणु वर्तमान तुमको ज्ञान द्वारा सद्गतिर मार्गदर्शन दिया जाउछि। एहा एक खेल एठारे हार जीतर खेल चलिछि। वर्तमान तुमे माया ठारु विजय प्राप्त करुछ। जेपरी तुमर आत्मा बिंदु सेहीपरी बाबा मध्य बिंदु अटंती एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा ही नहीं। केही कहुछंदी आमे आत्मा को देखिबु बाबा कहुछंदी देखिला वालांकर तो तुमे बहुत पूजा करिछ फायदा किछि हेला नाही। एबे यथार्थ भावे मु तुमको बुझाउछि मोठारे समस्त अभिनय भरी रहिछि। मु सुप्रीम सोल अर्थात सुप्रीम फादर अटे। कौनसी संतान निजर लौकिक पिता को एपरी कहिबे नाही केवल जनको ही सुप्रीम फादर कुआ जाउछि। सन्यासी मानकर तो संतान नहंती जे कि तांको बापा बोली कहिबे। ई समस्त आत्मांकर पिता जे कि समस्तंकु संपत्ति देउछंती सेमानकर कौनसी गृहस्थ आश्रम तो नुहे। बाबा बसे बुझाउछंती पिला माने तुमे 84 जन्म भोग करिछ प्रथमे प्रथमे तुमे सतप्रधान थिलो पुणे तळकु खसी आसिछ एबे कौन केही निजकु सुप्रीम कहि परिबे कि एबे तो नीच बोली भावुछ। बाबा बारंबार बुझाउछंती मूल कथा हेउछि निज भितरकु देखा जे आम पाखरे कौनसी विकार नाही। तो प्रतिदिन राति रे निजर चार्ट लेख व्यापारी माने सबुबेले निजर हिसाब रखी थांती। गवर्नमेंट सर्वेंट अर्थात सरकारी चाकरिया निजर सठिक हिसाब निकाश करि परिबे नाही काहेकि ना तांकर तो निर्धार्य दरमा मिलि थाए। एही ज्ञान मार्ग रे व्यापारी माने बहुत आगकु जाई परिबे काहेकि ना सेमाने लाभ क्षतिर हिसाब रखी थांती। तेणु तुम समस्त को प्रतिदिन निज लाभ क्षतिर हिसाब बाहर करने दरकार तेबे तुम बहुत उन्नति हेबो। बाबा पाखरे जो ज्ञान अच्छे ताहा से तुम मानकु देउछन्ते। बाबा कहुछन्ते मो आत्मारे एही ज्ञान निर्धार्य होई रहिछि अविकल ताहा ही कहिबी जहाँ कल्प पूर्वे कहिथिलि पिला मानकु ही बुझाइबी ए कथा अन्य माने बा कोन बुझिबे। तुमे ही सृष्टिचक्र को जानिछ एथिरे सबु अभिनेतांकर पार्ट निर्धार्य होई रहिछि जहाँ कि अदल बदल होई परिब नाही ना केही मुक्त होई परिबे। हाँ बाकी समय किछि समय मुक्ति मिलुछि। तुमे त हेउछ ऑलराउंडर 84 जन्म नेउछ बाकी समस्ते निज घरे रहिबे सेबारे परे आसिबे। मोक्ष चाहूबा आत्मा एठाक आसबे ना से मानकर विनाश हो तो विनाश पर घर को चलीजे से मैंने केवेहले ज्ञान शुणे ना मशामाछी सदृत आसबे एवं जीवे।
तुम्हें तो ड्रामा अनुसार यही राजयोगर पाठ पढ़ुच जाणीछ बाबा 5000 वर्ष पूर्वे यहीपरी राजयोग शिखाई तुम्हें पुणी अन्य मानकु बुझाऊछ जे शिव बाबा एपरी कहुछन्ते वर्तमान तुम्हें जाणीछ जे आमे केते श्रेष्ठ थिले एबे केते नीच होई जाइछु पुनर्बार बाबा उच्च कराउछन्ते तेनु सेहीपरी पुरुषार्थ करिबा दरकार ना तुम्हें एठाकु रिफ्रेश हेबाकु आसीछ यार नाम ही मधुबन रखा जाए तुम्हारो कलिकता अथवा बॉम्बे रे कौन मुरली चलाऊ कि मुरली तो मधुबन रे बाजुचे ना अर्थात बाबा यही ही मुरली सुनाऊ मुरली सब सेवा केन्द्र को जाऊँगी तुम्हें मैंने बाबा सम्मुखर मुरली शुणापी मधुबन आसुच कहीं सम्मुखें शुणा द्वारा जो अनुभव हो दूर शुणा द्वारा से अनुभव रे फरक रोचे आग को गले बहुत अभिनय देख बाबा प्रथम रु सब शुणाईदे तार मजा चली तेनु धीरे धीरे बाबा सब कथा शुणाऊंट तुम्हार स्मृति इमर्ज हेब गोटे सेकेंडर ड्रामा अन्य सेकेंड सहित तो मिसी पारना बाबा आत्मार सेवा करने आसी तेणु पिला कर्तव्य हूँ आत्मा मानकर सेवा करिबा अति कम रे एक कथा तो कह जे तुम्हें निजकु आत्मा भाभी बाबा को मन पकाओ एवं पवित्र हो पवित्रता रे ही फेल कहीं बाबा को मन पकाउ नहंती तुम्हें माने बहुत खुशी हवा दरकार आम बेहद बाबा सम्मुखें बसीचु जहाँ को कहीं मध्य जानी नहंती से ही शिव बाबा भी हेउछंती ज्ञानर सागर देहधारी ठार बुद्धि जोग बाहर करदे उचित यह शिव बाबा रथ यहाँ सम्मान न रखिले धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगवा पड़े बड़ मान सम्मान रखा पड़ थाए ना आदिदेव के सम्मान अच्छे जड़चित्र जदि एत रिगार्ड बा सम्मान अच्छे तेणु चैतन्य सम्मान रहा दरकार अच्छा धारणापाई मुख्य सारांश एक नंबर पॉइंट भीतर भीतर निज को जांच कर दैवी गुण धारण करने को हे खराब अभ्यास को त्याग करने को प्रतिज्ञा करने को हे बाबा मुझे भी खराब कम करी ना दुई नंबर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने जोगर रेस करने को हे आत्मिक सेवारे तत्पर रहा बड़ मानकर सम्मान रखा वरदान सर्वसंपत्ति को निज प्रति अन्य मानक प्रति व्यवहार करुथिबा अखंड महादानी को जेपरी बाबांकर खाद्य भंडार सर्वसर्वदा चालू रही प्रतिदिन दे चली सेहीपरी तुम मानकर अखंड दान चालू रही था कारण तुम निकटरे ज्ञानर शक्तिर खुशीर खाद्य भंडार भरपूर हो रही सेगुड़ी को साथी रखिबारे व्यवहार करिबारे कौनसी विपद ना यही भंडार खुला रही कौन से चोर पशिब ना जदि बंद रखिबो तेबे चोर पशिजिब से प्रतिदिन तुमको मिलुथिबा संपत्ति को देख एवं निज प्रति तथा अन्य मानक प्रति व्यवहार कर तेबे अखंड महादानी होइजिब श्लोगान शुणिथिबा ज्ञान को मनन चिंतन कर जहाद्वारा शक्तिशाली होइजिब ओम शांति।